के द्वार तक पहुंचाने वाली भक्ति। मैं भक्ति हूँ, मैं पूजा हूँ। परमात्मा से प्राप्त हर प्राणी के जीवन के प्रत्येक क्षण को परमात्मा के चरणों में ही समर्पण की अलख जगाने वाली पूजा। मैं पूजा हूँ। समस्त शुभ शक्तियों के पश्चात नारद भी अपनी भक्ति का कवच कार्तिकेय को प्रदान करते हैं। ऋषि कश्यप से प्रताड़ित दिति तारकासुर को पुकारती है। दिति और तारकासुर के सामने विवश शुक्राचार्य पाताल की दैत्य सेना का आह्वान करते हैं। नारद की प्रार्थना पर श्री महागणेश कुमार कार्तिकेय को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तारकासुर और कार्तिकेय के साथ विध्वंसक देवासुर संग्राम का प्रारंभ होता है। किसकी होगी इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूँ। तू नहीं जानता कि इस समय तू किसके सम्मुख खड़ा है। तारकासुर, मैं तेरे अत्याचारों को भली भांति जानता हूँ, किंतु तू जानकर भी जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि मेरा जन्म तेरे अत्याचारों का अंत करने के लिए ही हुआ है। मैं तेरे जन्म का उद्देश्य मृत्यु में बदल दूंगा। मेरे प्रहारों से आहत होकर तू यमराज का निवाला बन जाएगा। क्या तू जानता नहीं कि मैं सर्वनाश का घूमता हुआ मूर्खों की भांति अपनी प्रशंसा न कर तारकासुर। यदि तू सर्वनाश का चक्रवात है तो मैं प्रेम का सागर हूँ। यदि तेरी छाया से पर्वत डोलते हैं तो मेरे संपर्क से वे अपने कर्तव्य में संलग्न हो जाते हैं। यदि तेरे चलने से पृथ्वी कांपती है
तो मैं चलकर पृथ्वी माता की कृपा प्राप्त करता हूँ। यदि तेरे तेज से अग्नि चंदन के समान शीतल बन जाती है तो मेरे सत्कर्मों से वह पुनः ज्वाला का रूप धारण करती है। मूर्ख बुद्धि तारकासुर, युद्ध भूमि में बढ़ चढ़ कर बातें मत कर, अपना अस्त्र संभाल। स्वयंभू सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये त्रिशूल तारकासुर का काल है, इसमें हमारी शक्ति विराजमान है। ये लो कुमार कार्तिकेय, और कर दो अंत इस दुष्ट का। तारक,
माता दीदी, ये क्या हो गया माता दीदी? तारक, तारक, तारकासुर। कश्यप, दुष्ट अदिति, देख, देख अपने कुकृत्यों का परिणाम। मेरे पौत्र वरदानी तारकासुर का संहार नहीं हुआ है, हत्या हुई है, हत्या। और इस हत्या के दोषी इसके पिता मैं हैं, पिता मैं। शांत रहो अदिति, शांत रहो। तारकासुर की मृत्यु ने तुम्हें उत्तेजित कर दिया है। संकट की इस घड़ी में संयम से काम लो दीदी। मृत्यु नहीं ऋषिवर, मृत्यु नहीं, ये हत्या है, हत्या। दुष्ट देवताओं का मेरे वरदानी पौत्र के विरुद्ध घोर षड्यंत्र है। तारकासुर की हत्या की योजना यहाँ बनी, यहाँ आपके और इस दुष्टा अदिति के नेतृत्व में। दीदी, अपने क्रोध शांत करो, वरदानी तारकासुर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करो। शोक? शोक व्यक्त करना मेरा स्वभाव नहीं है ऋषिवर। प्रतिशोध की ज्वाला से द्वेष के ज्वालामुखी का विस्फोट मुझे प्रिय है। दुष्ट देवताओं ने मेरे प्रतिशोध को ललकारा है। दैत्य माता दिति को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। मैं देवताओं के सुख और ऐश्वर्य को भस्म कर दूंगी। शांत, शांत नहीं बैठने दूंगी। जो भूल तारकासुर ने की थी, वही भूल तुम दोहराने जा रही हो। इस संसार में जन्मे मनुष्यों को अपने कर्मों के फल निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। सत्कर्म का फल सुख और ऐश्वर्य प्रदान करता है, दुष्कर्म का फल उपेक्षा और धिक्कार प्रदान करता है। दीदी, दीदी, जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मानकर तारकासुर सच्चे मन से शिव आराधना करता तो शिव पुत्र से उसकी मृत्यु की होनी अमर जीवन में बदल जाती। शिव आराधना का परिणाम भी यही होता, क्योंकि महाशक्तियां दैत्यों, असुरों और राक्षसों से घृणा करती हैं। भगवान शिव पर तुम्हारा यह आरोप अनुचित है दीदी। भोलेनाथ व्यक्ति के जन्म से नहीं, उसके कर्म से प्रेम करते हैं। इसी कारण असुरों, दैत्यों और राक्षसों के वो आराध्य हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है, वो उसे कभी निराश नहीं करते। तारकासुर और तुम्हारी शिव द्वेषी मनोवृत्ति का यह परिणाम तो होना ही था दीदी। इस परिणाम का दुष्परिणाम इस संसार को भोगना ही पड़ेगा। दिति की दृष्टि में शत्रु शत्रु ही होता है, चाहे चाहे वो शिव हो या आप स्वयं। दिति किसी को भी क्षमा नहीं करेगी। प्रतिशोध का ऐसा विस्फोट करेगी कि इस संसार में भूचाल आ जाएगा, भूचाल। अपनी दुर्भावना पर नियंत्रण रखो दीदी, प्रतिशोध के इस व्यापार को समाप्त करो। प्रतिशोध का ज्वार कभी नहीं थमता, उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होता है दीदी। अब परिणाम सुखद ही होगा। तारकासुर के होने वाले पुत्र अपने पिता का संहार करने वालों को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। परम देव श्री महागणेश के सक्रिय सहयोग, त्रिदेवो, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों द्वारा प्रदान की हुई दिव्य अस्त्रों के कारण ही तारकासुर का संहार संभव हुआ है। इस कारण
हमें इन सभी की जय जयकार करनी चाहिए। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों की जय। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों की जय। पिताश्री, मैं शिव पुत्र हूँ, इस कारण मैं आप ही के समान ज्ञान, योग, वैराग्य, धर्म, ध्यान और भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने का इच्छुक हूँ। इस कारण आप मेरे गुरु के रूप में मुझे ये सारे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। प्रिय पुत्र कार्तिकेय, ये ऊंची ऊंची बातें बड़े लोगों को शोभनीय है, तुम्हारे तो अभी खेलने के दिन हैं। माता, मन की बात तो मुख से सहज ही निकल गई, और सत्य तो यही है कि तारकासुर के वध के पश्चात मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य मेरे महान पिता का अनुसरण करना ही होगा। कार्तिकेय की बातों पर चकित होने की आवश्यकता नहीं है, देवी पार्वती ये सत्य ही कह रहा है। शिव तेज से उत्पन्न शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय में शिव तत्व ही प्रमुख है, ये बालक संसार के अन्य बालकों से भिन्न है। दिव्य आत्मा शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। दिव्य आत्मा शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। दिव्य आत्मा शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देवी पार्वती, कुमार कार्तिकेय को अपने जीवन में तारकासुर के अंत के अतिरिक्त और भी कई महान कार्य करने हैं, जिसका प्रमाण तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। कैलाशपति शिव शंकर को अगस्त्य का प्रणाम। अगस्त्य ऋषि का कैलाश में स्वागत है। देवी पार्वती, हम जिस प्रमाण की चर्चा कर रहे थे वो प्रमाण अगस्त्य ऋषि के रूप में स्वयं ही उपस्थित हो चुका है। कहीं ऋषिवर, मैं आपका क्या प्रिय करूं?